नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। और एसएम न्यूज़ के ऊपर हम लोग आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं जिस पे मोदी सरकार दे रही है ढेर सारे लैपटॉप, और आप जल्दी से कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। ऐसा फेसबुक पे लिखा होता है या फिर आपके व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें आ रही होती हैं, और जो व्हाट्सएप पे आ रही होती हैं वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे wishguru.com की साइट पर, और साइट पे आपको लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मोदी जी का एक खूबसूरत सा फोटो मिलेगा। उस फोटो को देखने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालनी होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो लिंक है ये बिल्कुल भी जेन्युइन लिंक नहीं है, ये बिल्कुल फेक लिंक है। फेक लिंक का मतलब है, देखिए इसके ऊपर जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हैं, आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, ये जो वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं तो HTTPS करके आता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस पे S नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। और जो भी इस तरीके की होती हैं वेबसाइट होती हैं, ये बेसिकली कहीं ऐसी जगह से ऑपरेट की जाती हैं जहाँ से इसका डाटा आराम से चोरी हो सकता है। और जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके आगे पहुँचते तो आप देखते होंगे यहाँ पे मेक इन इंडिया करके आता है, और उस पे 90 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और इतने हैं, इतने पेंडिंग रह गए और भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहां पर आती है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भोले भाले लोग जल्दी से फंस जाते हैं, और बहुजन समाज के लोग तो सबसे पहले फंसते हैं कि ये व्हाट्सएप आप 10 लोगों को आगे शेयर करें, आगे इन्फॉर्मेशन करें। अरे भाई, अगर मोदी जी को अपना ये लैपटॉप बांटने का प्रोजेक्ट लॉन्च करना होगा तो क्या एक व्हाट्सएप पे ही आपको शेयरिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो अपना डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या फिर इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उनका क्या होगा? उन पे ये इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे जो एसएम न्यूज़ की तहकीक से पता चला कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, और बिल्कुल फ्रॉड लोग हैं जो आपका डाटा किसी भी तरीके से चोरी कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपको लैपटॉप मिले या ना मिले, लेकिन वो कई सारे लैपटॉप्स कमा लेते हैं, क्योंकि आपके डाटा को मिसयूज कर लेते हैं, और आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके पास डेली डिफरेंट टाइप के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। इवन आप जो अपनी डिटेल्स, आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपका डाटा, OTP कहीं से भी चोरी हो सकता है। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप यूज होता है, लेकिन जो व्हाट्सएप यूज होता है वो सिर्फ इंडिया के अंदर बैन करा हुआ है कि 5 से ज्यादा लोगों को नहीं फॉरवर्ड कर सकते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा इस तरीके की वाहियात चीजों को वायरल किया जाता है। लोग पढ़ते नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कर देते हैं कि 10 लोगों को शेयर करें तो आपका अच्छा होगा, 10 लोगों को करें तो आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। ये बिल्कुल वाहियात और फेक न्यूज होती है, ना तो कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। सिर्फ आपको अगर न्यूज और इनको फ्लैश करके फॉरवर्ड करने से आपको कुछ बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो सारे दिन लोग व्हाट्सएप ही चला रहे होते, नौकरियों पे नहीं जा रहे होते। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज है, इसको बिल्कुल भी आगे ना बढ़ावा करें, इसको जहां हो सकता है वहीं पे रोकें, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट या आप बहुत सारी परेशानियों में घिर सकते हैं, क्योंकि आप अपना डाटा किसी को भी शेयर ना करें। ये बैंक वगैरह सभी, दिल्ली पुलिस वगैरह सभी लोग ये बात बोलते हैं। बाकी किसी को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को भेजें या ना भेजें, लेकिन इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेजें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी तभी देश हमारा डिजिटल इंडिया बनेगा, तभी जागरूक देश बनेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।